नमस्कार। राजस्थान में मच गया हाहाकार, पांच खिलाड़ियों को लेकर। पांचों ने तूफान मचाया, फिर भी राजस्थान उनको नहीं खिलाएगी। वो पांच खिलाड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिन पांच खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है साल 2024 से पहले, क्योंकि लगातार मेरी नजर बनी हुई है, लगातार जानकारियां मैं आप लोगों को हर खिलाड़ी के बारे में देता हूं। लेकिन इन पांचों खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, लेकिन भाई साहब इन पांचों खिलाड़ियों का कुछ नहीं होने वाला है, इन पांचों खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन पांच खिलाड़ी कौन से हैं और उनको मौका राजस्थान क्यों नहीं दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की पहले मैं आप लोगों को पूरी स्क्वाड बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा उन पांच खिलाड़ियों का नाम। देखिए, बैट्समैन में जुरैल है, फरेरा, बटलर, उसके बाद में राठौर, संजू सैमसन, हेटमार, जायसवाल, शुभम दुबे, टॉम कॉलर कोटमोर, रोमन पावेल, ठीक है। ऑलराउंडर्स में अश्विन है, रियान पराग है, आबिद मुश्ताक, ऑलराउंडर्स का इनके पास। गेंदबाजी में एडम जैम्पा, आवेश खान, कुलदीप सेन, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, यजुवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर, ये इनकी प्लेइंग 11 है राजस्थान वालों की। अब वो पांच खिलाड़ी कौन से जिनको मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन शानदार प्रदर्शन उन्होंने पांचों ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर है फरेरा। फरेरा को मौका नहीं मिलेगा, जबकि फरेरा ने बहुत फरारी की रफ्तार से रन बनाए हैं, कमाल के तूफानी अंदाज में रन बनाए हैं, लेकिन फरेरा को मौका 2024 में नहीं मिलने वाला है। वो बेंच पर बैठने वाले हैं पूरे सीजन, ये बात आप मुझसे लिख कर ले लो। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि फरेरा को आखिर कैसे खिलाया जाए। विकेट कीपर, बल्लेबाज है भैया फरेरा, ऐसे खिलाड़ी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, वो ऑलराउंडर है, वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी, विकेट कीपिंग सब कुछ कर लेते हैं। तो फरेरा को मौका जरूर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन कैसे मिलेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि फरेरा को बाहर बैठाना बहुत गलत साबित हो सकता है। तो सबसे पहले खिलाड़ी फरेरा। उसके बाद में जो दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, वो टॉम कॉलर कोटमोर है। कोटमोर को भी मुझे ऐसा लगता है कि मौका नहीं मिलेगा, जबकि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कमाल की तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं कोटमोर भी। हाल ही में जो T20 लीग चल रही है वहां पर कोटमोर का बल्ला भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छी तूफानी पारियां खेली हैं, कई खबरों में हमने आप लोगों को कोटमोर के बारे में बताया भी है। तो कोटमोर को भी मौका नहीं मिलने वाला है, ये बात सीधी सीधी सी है, लेकिन मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसा तूफानी खिलाड़ी है जो अपने बल्ले के दम पर मैच को बदलने की ताकत रखता है, तो भाई साहब उसको बाहर बैठाना तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो संजू सैमसन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन खिलाड़ियों के लिए जगह बनाओ भाई साहब, इन खिलाड़ियों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरे खिलाड़ी है जिनको मौका नहीं मिलने वाला है, वो मेरे हिसाब से शुभम दुबे। शुभम दुबे भी तीसरे खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिलने वाला है। मेरे हिसाब से शुभम दुबे को भी मौका दिया जाना चाहिए, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं भारतीय, ऑलराउंडर के तौर पर इनको शामिल किया गया, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि बल्लेबाजी की लिस्ट में यहां पर है, लेकिन गेंदबाजी कर लेते हैं शुभम दुबे, तो इनको मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जिन खिलाड़ियों को यहां पर है मौका नहीं मिला, नहीं मिलेगा, वो खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से यहां पर नांद्रे बर्गर, चौथे खिलाड़ी के तौर पर नांद्रे बर्गर। नांद्रे बर्गर ने भी तूफानी अंदाज में खेल दिखाया, लेकिन नांद्रे बर्गर को भी प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा, ये बात शानदार मतलब आपको पता भी है, क्योंकि चार विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर ऑलरेडी यहां पर राजस्थान के पास सेट है, जैसे जोश बटलर है, चार विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर हेटमार दूसरे हो गए, ठीक है। उसके बाद में हेटमार के बाद आपके पास पावेल तीसरे हो गए, तीसरे खिलाड़ी के तौर पर, विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, और चौथे खिलाड़ी के तौर पर आपके पास यहां पर हो गए ट्रेंट बोल्ट। तो चार ऑलरेडी विदेशी खिलाड़ी इनके पास हैं सेट, तो ऐसे में नांद्रे बर्गर को खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नांद्रे बर्गर को भी राजस्थान मौका नहीं दे पाएगी, ये भी राजस्थान के लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो है। मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान को नांद्रे बर्गर के बारे में सोचना जरूर चाहिए, आप कैसे इनको खिला सकते हैं। रोमन पावेल मुझे लगता नहीं है उतने बेहतर खिलाड़ी हैं, तो रोमन पावेल की जगह आप नांद्रे बर्गर को खिला सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नांद्रे बर्गर को मौका कैसे मिले, क्योंकि ये खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर बैठने लायक नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, मैं ये मानता हूं कि नांद्रे बर्गर बाहर बैठने वाला गेंदबाज नहीं है। रोमन पावेल की जगह आप उसको मौका दे सकते हैं। ध्रुव जुरैल भी मेरे हिसाब से सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद में एडम जैम्पा एक ऐसे खिलाड़ी है जिसको बाहर बैठाना बड़ा भारी पड़ सकता है, नहीं बैठाना चाहिए मेरे हिसाब से बाहर। तो ये वो खिलाड़ी है राजस्थान के जिनको बाहर बैठाया जाएगा, इनको मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से इन पांचों में से किसको मौका जरूर मिलना चाहिए 100%, और राजस्थान की प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।